अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नॉर्मल स्थित राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से बच्चों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा साथ ही उनके मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया तथा प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया गया, जिसके संबंध में अपर जनपद न्यायाधीश रामकृपाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। विकलांग बच्चों का सर्वांगिक विकास हो और सामान्य नागरिकों की तरह इनको भी शिक्षा दिया जाए। उन्होंने कहा कि विकलांग बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक हर क्षेत्र में उनका विकास किया जाए और विद्यालय द्वारा शिक्षा दिया जा रहा है तथा बच्चों को जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क सेवा के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला दिव्यांग अधिकारी संदीप मौर्य सहित कॉलेज के प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश रामकृपाल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, सर के साथ साथ हमारे महोदय श्री राम कृपाल जी एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट स्वागत में तालियां बजाने का। हमारी भारत की परंपरा रही है कि जो अतिथि है वो देवतुल्य होता है, तो देवता तुल्य सबकी मेहनत का फल होगा।
सुंदरी क्यों अंशु आप लोग भी हैं इनका स्थान पता है आइए सर्टिफिकेट ले जाइए आज विकलांग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बच्चों का सर्वांगीण विकास हो इसी का मेन उद्देश्य है। सामान्य नागरिकों की तरह इनको भी शिक्षा दिया जाए, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षिक हो, हर क्षेत्र में इनका विकास किया जा रहा है, इसी के रूप में इसको मनाया जा रहा है। सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को इसके लिए पढ़ाई लिखाई उनका हर क्षेत्र में विकास हो, विद्यालय द्वारा उसका शिक्षा दिया भी जा रहा है और इस विद्यालय में बच्चे उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी रहे, प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, इसके लिए बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। इसमें जो विकलांग बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो राज्य द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके सहयोग के लिए उनमें कई तरह से जो मशीनी यंत्र हैं उनका वितरण विकलांग अधिकारी के द्वारा महोदय द्वारा कराया गया है। और जहां तक बच्चों के भविष्य का प्रश्न है तो वो बच्चे हर क्षेत्र में अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपने खेल कूद के द्वारा, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उसका जो प्रमाण दे रहे हैं आप सभी के सामने प्रस्तुत है। उनके द्वारा जो संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है और जो नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है बहुत अच्छा सराहनीय है। मैं बच्चों के भविष्य की आशा करता हूं कि वो भी एक सफल हो और उनका नागरिक जीवन उत्तम हो और वो समाज की मुख्य धारा में जुड़कर अपने को प्रदर्शित कर सकें कि हम भी सामान्य जन के रूप में आज हमारा विकास हो रहा है, उसी का प्रमाण है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।